जी मैडम, क्या कहेंगी जो आज मुल्तान में जलसा होने जा रहा है और जिस तरीके से हुकूमती जबर पकड़ थकर और सियासी कारकुनों को तशद्दुद और आपका रास्ता भी रोकने की सुनाए साजिशें हो रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। मैं आज घर से मुल्तान के लिए निकल रही हूँ और अपना ज़ाती गम पीछे छोड़कर, मियाँ साहब की हिदायत कर, कौम के जो इस वक्त दुख हैं, कौम के जो गम हैं, उसमें मैं शरीक होने जा रही हूँ। और शायद मैं, क्योंकि इस वक्त मेरे वालिद यहाँ मौजूद नहीं हैं, मेरी फैमिली यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जो लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और जिस तरह से आप इस वक्त अपनी फैमिली के साथ आप होना चाहते हैं, शायद मैं एक दो दिन और डिले कर देती अपनी एक्टिविटीज़ और शायद ये मुल्तान के जलसे में ना जाती। लेकिन जिस तरह इन्होंने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है, जिस तरह इन्होंने निहत्ते पुरअमन कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया है, उनको इन्होंने अरेस्ट किया है, उनको इन्होंने घरों से उठाया है, जिस तरह मुल्तान और उसके सारे जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसको अखाड़ा बना के रख दिया है, जो जुल्म इन्होंने कारकुनों के साथ किया है, शहरियों के साथ किया है, वो जुल्म आज मुझे खींच कर मुल्तान अपने बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों के साथ लेके जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो रास्ते में लगा हुआ हर कंटेनर है, ये रास्ते में जो जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जितने भी नाके लगे हुए हैं, वो सब इनके फौज के अक्कास हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये जलसा अब चाहे स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम से बाहर हो या मुल्तान की किसी भी सड़क पे हो, इंशाल्लाह ताला जलसा तो ज़रूर होगा। और ये जलसा अपने होने से पहले कामयाब हो चुका है, उसकी वजह ये है कि जो इनकी हुकूमत की जो हालत नज़र आ रही है, इनको अपना खात्मा नज़र आ रहा है और वो खौफ जो है वो उस खात्मे की जो खौफ है उसकी अकासी करते हैं। तो ये जलसा तो कामयाब हो गया। रही मुल्तान की बात, तो मैं मुल्तान के अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से, माओं से, बेटों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है, नालायकों की और ना अहलों की हुकूमत एक मुसल्लत है और उनके घरों में भी मुश्किल आई हुई हैं इस नालायकी की वजह से, तो उसके लिए जिद्दोजहद तो करनी पड़ेगी और उस जिद्दोजहद में हम सबसे आगे हैं। मुल्तान शहर को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बाहर आएं, इस नालायक और इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जिद्दोजहद जो है वो रजिस्टर कराएं और इसको जो आखिरी धक्का जो हम देने जा रहे हैं उसमें शामिल हों इंशाल्लाह ताला। और जब घरों पर मुश्किल आती हैं, फैमिलीज़ पर मुश्किल आती हैं, तो घरों की जो बेटियाँ हैं, ख़वातीन हैं, वो बाहर निकलती हैं। जब कौमों पे और मुल्कों पे मुश्किलात आती हैं, अब पाकिस्तान पे मुश्किल आई है, तो मैंने सुना है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं क्योंकि बिलावल को कोरोना है। तो जब मुल्क पर मुश्किल आई, जब मुल्क के अवाम पर मुश्किल आई, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बेटियां, जिसमें आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी शामिल हैं, जिसमें मरियम नवाज़ हैं, इंशाअल्लाह अपनी कौम के लिए बाहर निकलेंगी। और मुल्तान को मेरा एक दफ़ा मैसेज है कि इन हथकंडों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है और इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत में मुझे कोई शक ही नहीं है कि ये हुकूमत, ना सिर्फ मुझे शक नहीं है बल्कि इस हुकूमत को भी शक नहीं है। आप देख रहे हैं जो ये खौफ का आलम है, उसकी वजह ये है कि इनको अपना घर जाना नज़र आ रहा है, तो ये अब घर जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस ये आखिरी चंद दिन है जिद्दोजहद के, इंशाल्लाह ताला पूरी कौम इसमें शामिल है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मैम, बताइएगा कि आपने पिछले दिन ट्वीट भी किया कि मेडिकल स्टूडेंट्स का जो कोरोना के ऊपर टेस्ट भी कर रहे हैं, तो आप लोग जलसे कर रहे हैं और आप ट्वीट करके ये भी कह रही हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जा रहा है। अच्छा, तो आपने सवाल किया, मैं मेडिकल स्टूडेंट्स की बात इसलिए की थी जब पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए एक एक पॉलिसी है, तो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए अलग पॉलिसी, उसमें पीछे क्या है वो भी बताया जाए। इसके बाकी सबको आपने छुट्टियां दे दी, बाकी सबके इम्तहानात आपने कैंसिल कर दिए, तो उसमें क्या इशू था? और दूसरी बात, आपने कोरोना की बात की, कल हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे पुलिस तैनात थी, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून से पहले जो जलसा हो रहा था वो शायद पुलिस का हो रहा था। मैं पुलिस को इसमें इल्ज़ाम नहीं देती, मैं समझती हूँ कि वो अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं, वो खुद इस हुकूमत से तंग आए पड़े, लेकिन किसी पुलिस वाले ने कोई मास्क नहीं पहना था। आप सड़कों पे चले जाएं, बाजारों में चले जाएं, वहाँ कोई SOPs नहीं है, कोई मास्क किसी ने नहीं पहने हुए। और अगर आप चले वो भी छोड़ दें, आप ये देखें कि जो जमात इस्लामी के जलसे हुए हैं, जो हकूमती अरकान के जलसे हुए हैं और गेट टुगेदर्स हुए हैं, तो कोरोना क्या जलसों से बाहर रुकता है?
और पहले चेक करता है कि ये हुकूमती जलसा है तो मैं इसके अंदर ना जाऊं, और अगर अपोजिशन का जलसा है तो उसके अंदर चला जाऊं। ये मजाक है आवाम के साथ। आप कोरोना से नहीं डर रहे, आप अपनी हुकूमत को जाते हुए देख के डर रहे, इसीलिए आप ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप ये भूल जाएं कि ये कोरोना से डर रही है, ये कोई SOPs, सारे SOPs जो है वो अपोजिशन के लिए। कोरोना ये देखता है कि अपोजिशन का जलसा है तो अंदर चला जाऊं, और गिनती करता है कि 300 है तो अंदर नहीं जाऊंगा, अगर ज्यादा है तो अंदर चला जाऊंगा। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं मैडम? और ये जो मुल्क को कोरोना लाहक हुआ है, COVID-18 जिसको मैं कहती हूँ इमरान खान की सूरत में, उससे मुल्क को निजात दिलाना। ये कोरोना तो इंशाल्लाह ताला COVID-19 चला जाएगा, COVID-18 को घर भेजना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने मुल्क के कोने कोने में जो जिस तरह से क्यामत लोगों के घरों में आई हुई है, इसको भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अपोजिशन को जमहूरियत का इलम नहीं, वो शोबदाबाजी कर रही है, ना ही उसे जमहूरियत सूलों की कोई पासदारी है। इमरान खान साहब ने कभी कहा जो सेलेक्टर्स के कंधों पर चढ़ के आया हो, जो अंपायर की उंगली को देख के आया हो और आज तक उन्हीं का पल्लू पकड़ के चल रहा हो, उसको ऐसी बात करनी देर नहीं लगती। उनके मुंह से जमहूरियत की बात जो है वो एक तौहीन की तरह लगती है। अच्छा मैम, प्लीज ये बताइएगा कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भी अभी पेरोल के ऊपर, रिहाई के ऊपर हैं, आपके वालिद मोहतरम भी मुल्क से बाहर हैं, तो अगर ऐसे हालात के अंदर इन PDM के जलसों के दौरान आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो पीछे आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी PDM के जलसों में कौन करेगा? देखिए, मैं अगर समझती हूँ कि इसको गिरफ्तारी को आप एक हथकंडे पे या खौफ के तौर पे यूज़ करते हैं, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि गिरफ्तारी के खौफ से सिर्फ वो बुज़दिल भागते हैं जो दीवारें फलांद के, आपको याद है ना वो सीन्स पूरी दुनिया ने देखे थे कि जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी तो आप जेर ज़मीन चले गए थे, जब आपकी गिरफ्तारी की बारी आई तो आप दीवारें फलांदते हुए चले गए। मरियम नवाज शरीफ किसी गुनाह के बगैर 2 दफ़ा जेल काट के आ चुकी है। जो इंसान 2 दफ़ा जेल काट के आ जाए, डेथ सेल्स में रह के आ जाए, उसको 3री दफ़ा भी गिरफ्तारी कोई खौफ नहीं देती। तो ये तहरीक जो है ना, ये लीडरान की तहरीक नहीं है, ये तहरीक जो है ये अवाम की तहरीक, और इसको कामयाब भी अवाम ने बनाया। वो जो चंद लीडर्स स्टेज पे खड़े होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते अगर अवाम इसमें शामिल ना हो, तो अवाम इसमें शामिल है। इस तहरीक को अगर आप किसी एक कारकुन को, लीडर को गिरफ्तार भी कर लेते तो इस तहरीक को इंशाल्लाह ताला अंजाम तक इस अवाम पाकिस्तान। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, मैडम ये बताइएगा कि मुल्तान जलसा रोकने के लिए बेतहाशा गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, और 13 दिसंबर को नून लीग लाहौर में अपनी पावर शो करने जा रही है, और इस हवाले से भी गुज़श्ता 2 दिनों से मुसलसल गिरफ्तारियां और छापों का सिलसिला जो है वो जारी हो गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी आपने बात की, ये मुल्तान का जो जलसा है उससे शायद इतना इशू ना होता, ये वार्मिंग अप जो है ना ये लाहौर के जलसे के लिए हो रही है, और इंशाल्लाह ताला मुल्तान का जलसा भी होगा, लाहौर का जलसा भी होगा, और इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत घर भी जाएगी। मैडम ये बता दीजिएगा, जो वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि उनकी ISI फोन टेप करती है, तो आप बता दें कि क्या नवाज शरीफ के फोन भी टेप होते थे और आपके भी, आप भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से सबके फोन टेप होते हैं, इस वजह से ISI ये काम करती है, तो आप सपोर्ट करती है इस बात को? देखिए मेरी बात, ये इंकशाफ में सारी दुनिया को पता है कि ISI ये करती है, और जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, उनका ये काम नहीं है। उनका काम अपने मुल्क में लोगों की चौकीदारी करना नहीं है, अपने मुल्क के लोगों की जो वो कॉन्वर्सेशन हैं वो सुनना नहीं है, उनको ये जिम्मेदारी दुश्मनों के लिए और पाकिस्तान को जिन लोगों से ख़तरा है मुल्क के बाहर, उनके लिए दी गई। ये कोई न्यूज़ नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए न्यूज़ ये है कि एक जाली वज़ीर आज़म, जाली सही वज़ीर आज़म तो है, वो कुर्सी पर बैठ के उस चीज़ को सही कह रहे हैं। आपके मातहत एक इदारा है, वो आपके फ़ोन टैप कर रहा है, वो आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है, और आप इतने, मैं अब क्या कहूँ कि आप में इतनी भी गैरत नहीं है कि आप ये कहें कि ये उनका काम नहीं, बल्कि आप जूते पॉलिश करने में इतने आगे निकल गए हैं, आप वो एक पेज पे रखने के अंदर इतनी कोशिशों में इतने आगे निकल गए हैं कि आप इस किस्म के मामलात को भी जो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, उस पर लेकर आ रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये तो बहुत शर्म की बात है, किसी में इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए इस किस्म की बातें करने वालों को, और आपने जमहूरियत के अलमबंदार बनते, जमहूरियत का नाम लेते, किस तरह आप इस चीज़ को कंडोन कर सकते हैं? इस चीज़ को तो कंडेम करना चाहिए, कंडोन कर, मुझे मेरे सुनते हैं जी, बड़ी अजीब बात है, आप इस किस्म के चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शुक्रिया।